डाउन कर। अरे 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 अरे, ऐसा लग रहा आप बीच में कूद जाओगे पता है। हाँ जी, थैंक यू। हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हम लोग जब से एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग को पहली बार साथ में काम करने का मौका मिल रहा है जो अभी तक नहीं मिला था। और हम हमेशा ये चाहते थे कि डांस तो हम कभी ना कभी या तो अपने ब्लॉग्स में या अपने यूट्यूब वीडियोज़ में या रील्स में करते रहते हैं, हमें रोमांस करने का मौका मिले। तो मौका हमें फोटोफिट म्यूज़िक कंपनी ने और जो हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर अमित के शिवा, इन्होंने दिया। और ऐसे गाने के साथ दिया जो गाना सुनते ही मतलब हमें दोबारा सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वी लव्ड इट सो मच एंड वी वर लाइक, और जब हमें थीम पता चली कि थीम करवा चौथ है तो हमें ऐसा लगा कि यार करवा चौथ के लिए आज तक कभी कोई गाना नहीं बनाया, राखी के लिए बनाया, होली दिवाली सब है, लेकिन करवा चौथ के लिए लोग क्या करें? अगर अपने पति के लिए गाना गाना हो तो क्या गाएं, पत्नी के लिए गाना हो तो क्या गाएं? तो वी वर लाइक कि यार ये कुछ नया है एंड वी शुड डू इट। सॉन्ग का टाइटल है चांद। हाँ ये भी है, टाइटल है। टाइटल मतलब टाइटल यही है क्या? अच्छा नहीं नहीं, मतलब उसमें तो और भी लाइंस है ना, चांद टाइटल, लेकिन जब करवा चौथ की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले चांद देखते हैं ना। चांद देखते हैं तो लेडीज अपना व्रत तोड़ती हैं, तो वही तभी व्रत छूटता है, इसलिए चांद की बहुत अहमियत है। तो इस गाने में भी चांद की बहुत अहमियत है। और हमारा इस सॉन्ग से बहुत सारी पीछे की चीज़ें रिवाइंड होंगी कि हम लोग कैसे मिले, क्या हमने किया, ये यहाँ तक हम लोग जो पहुँचे हैं करवा चौथ तक, ये आज के दिन हम लोग क्या कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ लव सॉन्ग, इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग विद लॉट्स ऑफ फीलिंग्स। और आई थिंक इस करवा चौथ पे एक वो वाला बनता था सॉन्ग कि इस बार तो कोई ना कोई लेके आए, तो हम ही लोग लेके आ रहे हैं करवा चौथ का सॉन्ग। एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट कि फाइनली सब लोग जो नचाते रहते हैं हमें, वो नचा के नहीं, मतलब इस बार इमोशंस के साथ हम लोग आ रहे हैं विद अ डिफरेंट लुक। मेरी फेवरेट जोड़ी है, खास वजह मेरा बहुत पुराना दोस्त, मेरा बहुत पुराना, हम बहुत मतलब 11 साल पुराने दोस्त, 12-13 साल पुराने दोस्त हैं। हमने मुंबई में अपना टाइम अपना एक साथ स्टार्ट किया है और हम साथ में रहे हैं, एक दूसरे को समझते हैं और बस उसी वजह से। और देन मैम के साथ मिलने के बाद तो बस मेरी फेवरेट जोड़ी है, और मेरी क्या, आज की डेट में तो लाखों लोग की फेवरेट जोड़ी बनी हुई है। तो बस इससे अच्छा नाम और कोई मेरे जहन में आ ही नहीं सकता था, तो इसीलिए बस चांद इनके बिना अधूरा था, तो बस आज आपके सामने है। सो ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन डांसिंग एंड डांसिंग में आई एम लाइक अ प्रो। आप मुझे डांस के स्टेप्स बोलोगे, आँख बंद करके मैं नाच दूंगी। बट इमोट करना, इमोशंस, फीलिंग्स, यू नो, जो कि आपने डांसिंग में ना वो भी छुप जाता है कई बार कि चलेगा इधर उधर गलती हुई, डांस में आप कवर कर लोगे, लेकिन यहाँ कवर नहीं हो सकता, यहाँ आपकी फीलिंग्स दिख के आएंगी। एंड मेरे लिए कुछ ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं ऐसे, मतलब नो डांसिंग नथिंग, गाना चल रहा है बट यू आर इमोटिंग एंड यू आर यू नो, आपकी जितनी फीलिंग्स हैं आपको अपनी अब फेस के जरिए दिखाना है। इट्स नॉट द बॉडी विच इज यू नो डूइंग द वर्क, इट्स द फेस राइट नाउ। तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, आई थिंक अविनाश के लिए इजी हो सकता है, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था ये। हम सब महिलाओं की लाइफ में करवा चौथ की बहुत वैल्यू है, सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं, हम लोग करवा चौथ हमारी पति की लंबी उम्र के लिए ये हम लोग व्रत करते हैं। और ये जितनी भी हम लोग इंडियन हो या अब्रॉड में महिलाएं रह रही हूँ, अब तो ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और अभी से नहीं सालों से रखता है, तो उतना ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए भी है। म्यूजिक वीडियो
व्लॉगिंग तो मतलब इट कम्स वेरी इजी ना, वो ऑन किया आपने कैमरा और बोलना शुरू कर दिया जो भी मेरे मन में होता है, जो भी अविनाश के मन में होता है, लेकिन ये करना डिफिकल्ट है। और व्लॉगिंग में ऐसा भी कि हमने अब तक शायद 1000 व्लॉग्स बना लिए साथ में ऑलमोस्ट, तो अब वो ईजी लगने लगा है। इसमें क्या है कि जब गाने में आपको गाना गाना नहीं होता, लिप सिंक नहीं करना होता, तो और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लिप सिंक करना हो तो आपके पास कुछ करने के लिए होता है, बट लिप सिंक ना हो तो आपको सिर्फ एक्सप्रेस करना है और आपको बोलना कुछ नहीं है। तो आई थिंक ऐसे म्यूज़िक वीडियोज़ में अब बहुत चैलेंजिंग होते हैं करना और कहानी को अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू बताना। अरे अरे दो क्वेश्चन, हाँ जी, ये फोटो फिट म्यूज़िक कंपनी के चैनल पे आने वाला है यूट्यूब पे, एंड ये आपके करवा चौथ से यानी बिफोर 2 से 3 दिन पहले ही रिलीज़ हो जाएगा, और टीजर विद इन इस अपकमिंग वीक में आपके पास आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बाकी आप सब कुछ जो भी देखना चाहें SS व्लॉग्स में देख सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। आप तो देखते ही हैं, सारे व्लॉग्स फॉलो करते हैं, मुझे पता है ये बात। और हम आपकी रील का वेट करेंगे करवा चौथ की। किस चीज की गुड न्यूज़? ट्रोल किस चीज पे? कैंडी को लेकर ना, तो ट्रोलिंग थोड़ी हो रही थी, वो तो पीपल वर वेटिंग। हेलो, हाय। तो बेसिकली सब लोग बहुत व्लॉग्स में वेट कर रहे थे पिछले, एक्चुअली 10 दिन से ये चल रहा था व्लॉग में कि कैंडी की डिलीवरी आज होगी। कैंडी जिनको नहीं पता, हमारा डॉग है, हमारा बच्चा है, और उसकी डिलीवरी होने वाली थी। तो पिछले 10 दिन से, वो 10 दिन पहले की डेट थी, इसलिए सॉन्ग भी आगे शूट होता गया, यू नो, मतलब पोस्टपोन होता गया। तो आज हो रही है, कल हो रही है, तो लोगों को, मेरे को लगा कि लोगों को ये ना लगे कि हम धोखा दे रहे हैं, तो क्या हो। और सोचो कैंडी की डिलीवरी कल हो गई और आज हम लोग ये शूट कर रहे हैं। सो बड़ा स्ट्रेसफुल है डे है हमारे लिए, बिकॉज इट्स नॉट ईजी जब आप पूरी रात नहीं सोए हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस गाने को बहुत प्यार देना, ये सोच के कि हम दोनों पूरी रात सोए नहीं हुए हैं, हमने छोटे कुत्ते को संभाला है। नेक्स्ट के लिए नहीं, फोटो फिट म्यूज़िक कंपनी की तरफ से तो अपकमिंग सॉन्ग है हमारे, एक तो अपकमिंग आपके सामने ही आने वाला है, एंड एक और सॉन्ग जो मैं अविनाश के साथ प्लान कर रहा हूँ, जो थोड़े से इस प्रोजेक्ट के बाद 2 से 3 उसमें मेरे को नहीं लिया इन्होंने, नहीं वो थोड़ा एक अलग कहानी है, और वो जल्द, वो भी 1 से 2 महीनों में, और एक चल रहा है, मतलब आगे आप लोग को जल्द सब पता चल जाएगा धीरे धीरे। जी वो फिल्म मैंने लिखी है, मैं उस फिल्म का राइटर हूँ, वो RSVP की फिल्म है जिसका नाम है ककूदा, इट्स अ हॉरर कॉमेडी, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा, रितेश देशमुख, साकिब सलीम, आसिफ खान, ये स्टार कास्ट है, और मेरी पहली फिल्म है जो मैंने वो लिखी है, और बहुत दिल से लिखी है, अपने दोस्त के साथ लिखी है, चिराग गर्ग नाम है हम दोनों ने साथ में, और वी आर वेटिंग फॉर दैट फिल्म की जल्दी आएगी वो, और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो मैं लिख रहा हूँ आगे, और सभी काफ़ी अच्छे बैनर से आने वाली हैं, तो आई होप कि वो भी आती रहें। और प्राइमरीली आई एम एन एक्टर, तो मैं एक्टिंग तो करना ही चाहता हूँ। मैंने पहली बार जब कुछ लिखा था तो मेरे संभावना से ब्रेकअप हुआ था। तो शादी से पहले वो बात हो गई, मैं शायर तो नहीं वाली, तो ब्रेकअप हुआ तो मैंने कहा ये मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा लिख दिया, तो मैंने कहा चलो ब्रेकअप होने के कुछ फ़ायदे हुए, ये पता चला कि शायद मैं लिख सकता हूँ। फिर मैंने थोड़ा अपनी वो स्किल को पॉलिश करना शुरू किया, एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैं लिख सकता हूँ, और मैं स्क्रीन प्ले लिख सकता हूँ, फिल्म्स लिख सकता हूँ, उसके बाद मैंने फिल्म्स भी लिखी। अरे उसके बाद ये तो बता दो कि हम लोग वापस आ गए साथ में, ब्रेकअप उनको लग रहा है ब्रेकअप ही हुआ था उसके बाद। और उसके बाद फिर समाना ने मुझे बहुत पुश किया, और बिकॉज ऑफ राइटिंग मुझे ऐसा लगता है कि जो वो स्किल है वो सब जगह काम आ रही है, चाहे मैं और भी कोई म्यूज़िक वीडियो कर रहा हूँ तो उसमें स्टोरीज बनाने में, कॉन्सेप्ट बनाने में, एंड राइटिंग इज़ मेकिंग मी अ बेटर एक्टर। प्लीज़ हमारे सॉन्ग को बहुत प्यार दीजिए, इसलिए नहीं सिर्फ कि हम लोग रात भर सोए नहीं हैं, इसलिए दीजिए क्योंकि सॉन्ग वाकई डिज़र्व करता है आप लोगों का प्यार, और इस समय हमें आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जब हमें इंडस्ट्री में
ज़्यादा किसी ने इतना वो नहीं मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, तब जो ऑडियंस है, जो हमारी चैनल जो SS व्लॉग्स के चैनल्स की ऑडियंस है, उन्होंने हमें इतना प्यार दिया कि आज उनके प्यार की वजह से आज हम आपके सामने हैं, आपके सामने ये गाना ला पा रहे हैं। सो हम इस गाने को, ये आपका गाना है और आप इसे प्यार जरूर दीजिए। I'm sure अविनाश wants to say something। ये गाना जब हमारे पास आया था तो पहली बार में हमें पसंद आया था, जैसे मैंने अभी कहा, और मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत इसमें दिलो जान से मेहनत की है सबने। गाना ऐसा लग रहा था नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ कैंडी डिलीवरी, क्योंकि कैंडी की डिलीवरी की वजह से रोज़ गाना पोस्टपोन हो रहा था, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और जो भी हो आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग गाना ज़रूर देखें तभी आप लोग फीडबैक दे पाएंगे। एंड आई होप कि हमारी टीम ने जितनी मेहनत की है तो आप लोग को निराश नहीं होना पड़ेगा। नवरात्रि चल रहा है, क्या क्या कहना चाहूंगी मैं? नवरात्रि, हाँ बस नवरात्रि की आप सभी लोगों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और माता रानी हमारे घर पे एक छोटा सा बेबी दिया है माता रानी ने, तो हमारे लिए ये नवरात्रि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये नवरात्रि। लेकिन सबकी नवरात्रि में आप जब माता रानी से व्रत रखते हैं, नवरात्रि की पूजा करते हैं, माता रानी से जो मांगते हो आपको मिलता है, तो ऊपर वाले से आप दिल से जुड़े रहो, आपको सब मिलता है। और हमारी मेरी अविनाश की ओर से आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.